The anti-terrorist squad on Friday arrested six people and seized 45,000 mobile SIM cards, some laptops and mobile phones in Sitapur district of Uttar Pradesh. 8-10 महीने से रिचार्ज वाला काम कर रहे थे, बस वही सिम मोबाइल में डालते थे और उसको नई नई एप्लीकेशन को साइन अप करके उसमें जो पैसा मिलता था उससे रिचार्ज कर लेते थे और उससे हमको पैसा मिल जाता था कैश. Reportedly, the gang used to cheat people by exhorting money in the name of new schemes. ये ATS लखनऊ की टीम के द्वारा कुछ गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर यहाँ कोतवाली पुलिस और SOG की टीम ने मिलकर कुछ जगहों पर छापेमारी करी थी जिसके उपरांत पांच व्यक्ति थाना कोतवाली क्षेत्र में और एक व्यक्ति थाना संधना क्षेत्र से गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से कोतवाली क्षेत्र में 15,444 अवैध एक्टिवेटेड सिम कार्ड और संधना क्षेत्र में 32,000 अवैध सिम कार्ड बरामद हुए हैं. इनके पास से यहाँ 5 अदद लैपटॉप और 37 अदद मोबाइल, इसी प्रकार थाना संधना में भी 37 मोबाइल बरामद हुए हैं. इनके द्वारा पूछताछ पर यह बताया गया कि मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये लोग फर्जी एड्रेसेस और उससे प्री एक्टिवेटेड सिम कंपनियों से उनकी सांठगांठ थी, उनसे ले लेते थे और उस पर जो स्कीम्स चल रही हैं कस्टमर के बनने के लिए इंसेंटिव हैं, स्कीम्स हैं 10 रुपये 15 रुपये इस तरह की, उसमें उन सिम का प्रयोग करके पैसा ले लेते थे और उस पैसे से आम पब्लिक के लोगों के बिल्स रिचार्ज करते थे और बिल पेमेंट करते थे और पब्लिक के लोगों से वो पैसा ले लेते थे. इस प्रकार से ये इनके विरुद्ध 419, 20, 67, 68, 71 और 120 IPC का अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ऑफिशियल्स सेड दैट द गैंग वाज वर्किंग फ्रॉम लास्ट सेवरल मंथ्स एंड सो फार ऑल द अक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड एंड अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम.